नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन को उज्जैन पहुंचे। हेलीपैड से वे सीधे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अभिषेक पूजन किया और बाबा से कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तार में अहम भूमिका निभाने वाले महाकाल मंदिर के सुरक्षाकर्मी और सुरक्षा प्रभारी रूबी यादव को शाबाशी दी। मुख्यमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि हम आप सबका जल्द ही सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की। वे प्रदेश स्तरीय कोरोना समीक्षा बैठक में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कोरोना की समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना संकट अभी टला नहीं है। अनलॉक के दौरान हम लापरवाह हो गए हैं और पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। कोरोना को भगाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर जिले के हिसाब से कोरोना को लेकर योजना बनाई जा रही है। कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश देश में 13वें नंबर पर है। इस बार घर पर ही उत्सव मनेगा। गणपति प्रतिमा भी हम घर पर ही विराजित करेंगे। गुना में किसान पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच की जा रही है। मैं कमलनाथ से सवाल करता हूं कि सागर में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया था, तब कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं? देवास में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारा गया, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। छिंदवाड़ा में अनुसूचित जाति की लड़की का रेप हुआ और हत्या कर दी गई। इन सब का दर्द कमलनाथ और कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया। पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। वहीं नेपानगर विधायक के इस्तीफे को लेकर कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उज्जैन से प्रदीप मालवीय की रिपोर्ट। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।